नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीईसी की बैठक में शामिल होंगे। बघेल बता दें, थोड़ी देर में सीईसी की बैठक शुरू होगी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहेंगे, नामों पर सहमति बन सकती है। सीईसी की बैठक होने जा रही है, बता दें आपको, ये बड़ी बैठक कांग्रेस की होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं, लगातार नामों पर मंथन जो है हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं और कल भी चर्चाओं का दौर जो है जारी रहा। आज दिल्ली में ये खास बड़ी बैठक कांग्रेस की होने जा रही है, नामों पर चर्चा जो है होगी, प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा मंथन लगातार जारी है। अब जल्द बस नामों का ऐलान भी होगा, कुछ ही दिन बचे हैं पितृपक्ष के बाद, नामों का ऐलान होगा। अभी बैठकों का दौर जो है कांग्रेस में लगातार जारी है। सीईसी की बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक, दिग्गज जिसमें शामिल होंगे और नामों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। जो छत्तीसगढ़ में बैठक हुई है, जो नाम चर्चाओं में थे, जो नाम फाइनल किए जा रहे थे, उन्हीं नामों को लेकर अब दिल्ली में दिग्गजों के साथ बैठक होगी। सीईसी की यह बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी और नामों पर मुहर लगेगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, बता दें आपको, अब जो है सीईसी की बैठक होने जा रही है। सीईसी की बैठक आज है और जल्द जो है कांग्रेस लिस्ट भी जारी करेगी। तो बैठक आज होने जा रही है कांग्रेस की, कितनी खास सीईसी की बैठक होगी, क्या कुछ खास रहेगा, इसके लिए सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशरफ, बड़ी बैठक जो है कांग्रेस की होने जा रही है, सीईसी की बैठक है, क्या कुछ खास रहेगा? नामों को लेकर चर्चाओं का दौर तो लगातार जारी है, माने 15 तक लिस्ट सामने आ जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा, मुहर लग जाएगी नामों पर। बिल्कुल रितु, आज की जो सीईसी चल रही है इसमें पहले चरण के जो मतदान है उसको लेकर नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 20 सीटें हैं, मिजोरम है, वो तमाम सीटों पर आज नामों पर मंथन हो जाएगा और उसके बाद मोहर लगा दी जाएगी। मिजोरम के लिए जो सीईसी है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जो इस सीईसी के बड़े नेता हैं और जिनको फैसला करना है, वो तमाम पहुंच चुके हैं। और ये अब देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पहुंच चुके हैं, उनका काफिला आ गया है, ये गाड़ी है, अब ये उससे उतर रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये सीईसी की बैठक में है, सीईसी की बैठक में आए हैं। यहां पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। देखिए, 5 बजे का टाइम दिया गया है जब सीईसी की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री यहां से पैदल अपना जा रहे हैं, उन्होंने अपना काफिला गाड़ियों का यहां उतार दिया क्योंकि आगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी का काफिला है, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। तो मुख्यमंत्री यहां से पैदल ही अंदर सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए चले गए, वो पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, टीएस सिंहदेव, वो पहुंच चुके हैं। और अब जब मिजोरम की बैठक खत्म हो जाएगी तब सीईसी की बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर शुरू होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज करीब करीब सभी सीटों पर छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं 90, उनमें से ज्यादातर पे सीईसी अपनी सहमति दे देगी। हालांकि ये थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा कि सूची कितनी सीटों पर जारी करे। अशरफ, प्रदेश स्तर पर लगातार जो है बैठकें हो रही थी और प्रदेश स्तर पर जो नाम तय किए गए हैं, हम माने नाम तो तय है, बस मुहर लगना बाकी है। अब बिल्कुल देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो पार्टी की होती है। स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम प्रस्ताव किए हैं, जिनको उन्होंने छांटा है,
तो वही नाम यहाँ इस बैठक में रखे जाएंगे और कमोबेश सीईसी की जो बैठक होती है उन्हीं नामों पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो राज्य स्तर के जो स्थानीय नेता होते हैं उनकी होती है, वो लोग अपना छांट लेते हैं कि कौन कौन मजबूत दावेदार हैं, सर्वे में किन का नाम है, अगर कहीं लगता है कि सर्वे में दो या दो से ज्यादा दावेदार मजबूत है तो उनका एक पैनल बना लिया जाता है और उस पैनल को सीईसी में रख दिया जाता है और फिर सीईसी फैसला करती है कि हम कौन सा ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट है तो उसी को के नाम पर मोहर लगाती है। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, जहां ये साफ रहता है कि स्थिति के सिर्फ एक ही मजबूत दावेदार है वो ही चुनाव जीत सकता है, तो वो उस स्थिति में जिस नाम का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी से किया जाता है सीईसी उसी पर कर देती है। हाँ, ये जरूर होता है के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण सीईसी उस पर जरूर ध्यान देती है कि वो बैलेंस रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आज की भी ऋतु जो सीईसी है उसमें जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि करीब करीब 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ की नाम तय कर लिए जाएंगे, लेकिन सूची वो 90 सीटों की एक साथ जारी करें ना करें ये सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है। पहली चरण में मतदान 7 नवंबर को होना है और दूसरे चरण में 17 नवंबर को, तो कांग्रेस के पास समय बहुत कम है, तो इसलिए वो जो है उम्मीदवारों के नामों पर मोहर सीईसी में जरूर लगवा लेंगे, क्योंकि दोबारा बैठक हो वो एक तमाम बड़े नेताओं को इस क्रूशियल समय में वहां अपने विधानसभा छोड़कर दिल्ली आना एक बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से माना यही जा रहा है कि सीईसी में सभी 90 सीटों पर नाम तय कर लिए जाएंगे और जैसे ही लगातार बैठक पे नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अशरफ। अंबिकापुर शहर के विवेकानंद शहर में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एयर बलून सिलेंडर फटने से 37 छात्र घायल हो गए। सभी घायल छात्रों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर एसपी समेत स्वास्थ्य अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। हादसा सिटी कोतवाली क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्कूल में हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में लंच ब्रेक के दौरान एयर बलून में गैस भरी जा रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया। विवेकानंद स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि एयर बैलून फटा है। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं, किस तरह का यहाँ पे घटना घटा और क्या आपने देखा? ये 2:15 की घटना है। मैं इस मुख्य मार्ग जो मुख्य गेट है उसके सामने से मैं अपने घर की ओर जा रहा था, अचानक स्कूल के प्रीमाइसेस में ब्लास्ट होता मुझे कान के अंदर सुनाई जब दिया तो मैं रुक गया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरा कर्तव्य भी है कि मैं यहाँ पर रुक के उन बच्चों को देखूँ क्या क्या स्थिति है। जब अंदर आया तो मुझे लगा कि बम का मतलब बस की कोई टायर फटी होगी, लेकिन आने वाले के बाद अंदर पता लगा मुझे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो पंप है जिससे गैस भरी जा रही थी उसका फटना हुआ है। उसके फटने से 5-7 जो आदमी जो गैस वहाँ बैलून भर रहे थे उनके भरने के बाद क्या हुआ है कि जैसे ही भर रहे तो ब्लास्ट होने के बाद जितने भी अगल बगल के डस्ट पार्टिकल और जितने भी कंकड़ थे वो फटने के बाद पूरा उनके चेहरे में पड़ा है। उनका आंख और पूरा चेहरा पांचों के पांचों व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उन्हें। हाँ, बात ये रही कि बच्चों को भी चोट लगा है, लेकिन 5-7 बच्चे हैं उनको चोट लगा। आने वाले समय में घबराए हुए बच्चे उसमें से 20-25 बच्चे हैं जिनको भी थोड़ी थोड़ी कंकड़ से चोट लगी हुई है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी ये कैंपस के अंदर कैसे हुआ ये जांच का विषय है। जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से। कलेक्टर भी यहाँ मौके पर पहुँचे थे, एसबी भी मौके पर पहुँचे थे। एम्बुलेंस के जरिए जो घायल छात्र थे उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। आप श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ से आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अब बढ़ गई है। इसी बीच ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें फर्श और टॉयलेट के गेट पर बैठकर यात्री यात्रा करने को मजबूर हैं। बार बार ट्रेनें जब रद्द होती हैं या कैंसिलेशन होता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि बाकी की जो ट्रेनें हैं उसमें काफी भीड़ बढ़ जाती है। ये पोरबंदर से हावड़ा एक्सप्रेस है और आप देख सकते हैं
कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लोग जमीन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें तो मुश्किल सांस ले पा रहे हैं, बस इतनी सी जगह जो है वो छुटी हुई है। चाहे छोटे बच्चों से लेकर आप बड़ों की बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, पूरी ट्रेन देखेंगे ऊपर से नीचे तक किस तरह से खचाखच जो है वो भरी हुई है। और ऐसा ये कोई पहली ट्रेन नहीं है बल्कि लंबे समय से अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों से इस तरह के नज़ारे बहुत आम है कि ट्रेनें जो है इस तरह से भर भर कर जाती हैं। हालांकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका भी यही हाल है, लोकल ट्रेनों की भी के साथ भी यही स्थिति होती है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं भैया? गुजर से आ रहा हूँ, मुरवी गुजर से आ रहा हूँ। तो ये ऐसी भीड़ है ट्रेनों में? ऐसा भीड़ है। क्या कारण लगता है? और बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, दिक्कत होता है। कितने घंटे से सफर कर रहे हैं आप? तीन दिन लगता है। तीन दिन से? आप कितने 2 दिन से सफर कर रहे हैं? 2 दिन से सफर कर रहे हैं। उड़ीसा। तो आप ऐसे ही सफर करते जा रहे हैं? ऐसे सोने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ लोग आप देखेंगे कि जमीन पे बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। कितने घंटे से नीचे बैठे आप? 2 दिन हो गया। 2 दिन से नीचे बैठ के सफर कर रहे हैं? ऐसे ही? हाँ। आपके साथ छोटा बच्चा भी है? हाँ है जी। आप कब से सफर कर रहे हैं? 2 दिन से सफर कर रहे हैं। 2 दिन सफर नहीं थी, रिजर्वेशन वाला सीट है ये तो। रिजर्वेशन सीट है लेकिन रिजर्वेशन कर रहा था, नहीं हुआ था रिजर्वेशन। कल रात को बहुत ज्यादा भीड़ था, हम लोग बाथरूम जाने के बहुत मुश्किल में पड़ गया था, इतना जाम हो गया था। नीचे भी खड़ा रहने के जाए गेट में सोने जाने का जगह नहीं था, इतना था। हाँ बहुत मुश्किल से। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरीके से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, काफी मुश्किल हो रही है क्या? बहुत बहुत। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत है ना, जाने आने में भी दिक्कत है। रिजर्वेशन करके कुछ फायदा नहीं मिलता है, सीट अपना अपना सीट में भी बैठ नहीं सकता है, दूसरा आदमी को बैठा के लेना पड़ता है। सफर करता है तो सबका सामान होना चाहिए। बाथरूम जाने में भी दिक्कत होता है, गंदा बाथरूम भी गंदा हो गया। बाथरूम मत 200-250 तो बाथरूम का अंदर ही बैठा है आदमी, अभी भी बैठा है, अभी भी बैठा है। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होता है। जनता अपना टैक्स देती है, बकायदा वोट देने के लिए कतार में खड़ी होती है, अपने एक दिन का काम जो है वो दाव पे लगाती है, अपनी रोजी रोटी दाव पे लगाती है, लेकिन उनको क्या मिलता है? आप ये अंदाजा लगाइए कि जिन सुविधाओं की वो हकदार है, क्या वो सुविधाएं उनको मिल पाती हैं? चुनाव जब आते हैं सामने तो तमाम तरह के वादे होते हैं और बहुत सारी उम्मीदें जगा दी जाती है, लेकिन चुनाव जाते ही इसी तरह की स्थिति होती है। और आप देखिए कि मेरे कैमरा पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये हाल जो है वो बना हुआ है। और आजकल जो लगातार ट्रेनें रद्द होती हैं और ट्रेनों का जो कैंसिलेशन होता है उसके चलते इस तरह की जो तस्वीरें हैं बेहद आम हो चुकी हैं। हम आगे का नजारा भी आपको दिखाते हैं, बाथरूम के भीतर तक के लोग जो है वो खड़े हैं, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में एक सम्मानपूर्वक जो जगह मिलनी चाहिए जो वोटर्स हैं, क्या उनको वो जगह मिल पाती है? कैमरा पर्सन राजीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, मरवाही में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। 6 ग्रामीणों के मकान को तोड़ दिया, खेत में खड़ी फसलों को रौंद दिया। केंदई रेंज में 47 हाथी मौजूद हैं, ग्रामीण घर में रहने को मजबूर हैं। हाथियों का आतंक लगातार जारी है, उत्पात मचा रखा है हाथियों ने। 6 ग्रामीणों के मकान को भी हाथियों ने तोड़ा है, वन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं। कोरबा की हम बात कर रहे हैं जहां पर हाथियों का आतंक उत्पात लगातार जारी है। केंदई रेंज में 47 हाथी मौजूद हैं, ग्रामीण जो हैं घर में रहने को मजबूर हैं। कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 47 हाथियों का दल जो है मौजूद है केंदई रेंज में और लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं। एमपी के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा और खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी, रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार के तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसकी वतन वापसी हो सकी। ये कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी की है। रजा 21 जनवरी को अपनी दादी शहीदा बेगम के साथ
हज पर गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, पोस्टर लगाने पर, पोस्टर लेकर जाने पर जो है युवक को जेल में डाल दिया गया। एमपी का ये शख्स है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर इसे सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा गया। खाने में सुबह शाम सिर्फ दो दो ब्रेड दी गई। रात रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार के तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसकी वतन वापसी हो सकी। ये कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी की है। रजा 21 जनवरी को अपनी दादी शहीदा बेगम के साथ हज पर गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और परिवार वालों का ये आरोप है कि किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। 8 महीने तक जेल में रखा गया। कोंडागांव की बात करते हैं, जहां पर छात्र की मौत हो गई है। घूवर नदी में डूबने से छात्र की मौत हो गई। दोस्तों के साथ ही छात्र घूमने गया हुआ था। नहाते समय तेज बहाव में छात्र बह गया। नदी में डूबने से छात्र की जान चली गई। फरसगांव हाई स्कूल का छात्र था, ये 11वीं क्लास का छात्र था, आदित्य साहू, जिसकी डूबने से मौत हो गई। कोंडागांव की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था और पानी में उतरा। नहाते समय तेज बहाव में ये छात्र बह गया। खबर बलरामपुर से है। बड़े बुजुर्ग अक्सर छोटे को ये सलाह देते रहते हैं कि बाबू जमीन देखकर चलो, कभी गिरोगे नहीं, और जो आसमान में उड़ता है एक दिन जमीन पर जरूर गिरता है। जी कुछ ऐसा ही हाल टमाटर की कीमतों पर लागू होता है। कल तक जो टमाटर आसमान की बुलंदियों पर था, आम आदमी की पहुंच से बाहर था, जो वही टमाटर थोक में 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा है और खुदरा बाजार में ग्राहकों तक 4 से 5 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। ऐसे में अब टमाटर किसान परेशान है। उनका कहना है कि फसल की लागत तक निकालना मुश्किल हो गई है, लिहाजा बाजार तक फसल को लाने का भी खर्च नहीं निकल पा रहा, इसीलिए वो फसल फेंकने को मजबूर है। राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां पर आजाद चौकी पुलिस ने 14 किलो चांदी के गहने बरामद किए हैं। ये गहने पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए। पुलिस ने इस गहनों के साथ एमपी के बालाघाट के रहने वाले युवकों को हिरासत में लिया, जो लग्जरी कार से इन गहनों को ले जा रहे थे। जगदलपुर की बात करेंगे, जहां दशहरे में चलने वाले विशालकाय रथ का निर्माण कारीगरों द्वारा रोकने की चेतावनी दी गई है। हर साल झार उमर गांव से कारीगर आकर रथ का निर्माण करते हैं, लेकिन इन कारीगरों को पिछले 2 साल से गोठान में काम करने का मेहनताना नहीं मिला। 75 कारीगरों का लगभग 5 लाख का बकाया है। कारीगरों ने विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई। कारीगरों ने कहा जब तक भुगतान नहीं होगा रथ का निर्माण नहीं होगा। अभी क्या है, पैसा यहाँ ला के देगा तो काम करेंगे, नहीं तो एक आध दो दिन भाग जाएंगे हम लोग। फिर कौन बनाएगा? वो कोई भी किसी को भी बुला के वो भी काम करवाए ना। कितने साल पहले किया काम? काम कब किया काम? मेरा गुरुवार का हो गया, 2-2.5 साल हो रहा। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी पास में हम लोग को गए तो अधिकारी मैं चेक करके बताऊँगा बोल रहा है। 4-5 दिन पहले मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है। ये 21-22 का आवर्ती चराई का काम स्वीकृत हुआ था, तो अभी मैं इसका जांच करा रहा हूँ, लेकिन अभी जो मुझे प्राथमिक रूप से पता चला है कि उस समय स्टाफ की पूरी स्ट्राइक थी, तो काम तो लगातार चल रहा था,
लेकिन स्टाफ जो स्ट्राइक में होने के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन जिले की नागदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां वे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को मनाने लगे। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। मैं थोड़ी लड़ता हूं, कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता जिताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या है, आप में और कैलाश विजयवर्गीय में क्या अंतर, कोई नहीं। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया, मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूं, मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।